हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग नोज डाइव के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है नोज डाइव का मतलब क्या होता है? नोज डाइव का मतलब होता है एकदम तेजी से नीचे गिरना, और ये इस एपिसोड के कहानी से मैच होता है। और वो क्या है जानेंगे आज के स्टोरी में। इस एपिसोड को रियल लाइफ से इतने अच्छे तरीके से रिलेट करके दिखाया गया है कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, अगर रियल लाइफ में भी ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसको IMDb में 10 में से 8.3 रेटिंग्स मिले हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखने वाले हैं 470। आई होप आप लोग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर लोग ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को रियल लाइफ रियल टाइम रेटिंग दे सकते हैं। हमको लेसी और बाकी लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देते हैं, पर गौर करने वाला बात यह है कि सब लोग एक्सरसाइज करते टाइम भी अपना मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली न्यूज फीड में नए पोस्ट देख रहे हैं और रेट कर रहे हैं लोगों को। ये लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे रियल लाइफ वर्चुअल हो और वर्चुअल लाइफ रियल। मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं ये सोशल मीडिया पे हम जैसे ही। हम भी तो कहाँ रह पाते हैं सोशल मीडिया कॉन्स्टेंटली चेक किए बिना। यही तो डरावना रियलिटी है, और ये एपिसोड बहुत तगड़े तरीके से रियलिटी चेक कर देता है। लेसी अपने रेटिंग्स को लेकर बहुत ही ऑब्सेस्ड है और कॉन्स्टेंटली स्माइल का प्रैक्टिस भी कर रही है ताकि लोगों के सामने अच्छी लगे। ये देख के आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। और अच्छे रेटिंग का एक खास बात है कि रेटिंग के वजह से आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में भी फर्क पड़ता है। चार्ली ब्रूकर ने ही खुद कहा था, ये एपिसोड एक सटायर है उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए अपना रियल इमेज छुपा के कुछ अलग इमेज पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप लोग वही देख सकते हो, सबको सब कुछ परफेक्ट करना है। जैसे कि जब लेसी कुकी खाती है वो बहुत ही परफेक्टली खाती है और पिक्चर लेके डालती है सोशल मीडिया में। हमारा इंस्टाग्राम भी उससे कम नहीं है। वो लोग एक दूसरे के साथ भी फेकली हंसते हैं अपना इमेज बनाए रखने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक दूसरे को ही प्लीज करने के लिए जी रहे हैं। बट एक्चुअली खुद के लिए जीना चाहिए, चाहे लोग जो सोचे। यहाँ पे हमको ये नज़ारा भी दिखता है, अगर लोग कोई एक पर्सन को हेट कर रहे तो आपको भी हेट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, अगर आपको स्टेटस मेंटेन रखना है तो। जो यहाँ पे एक लेसी का कोवर्कर चेस्टर के साथ हो रहा था जिसका रेटिंग कुछ खास ठीक नहीं है। लेसी अपने भाई के साथ रह रही थी और अभी उसका रेटिंग्स 4.2 है, और वो नए अपार्टमेंट में मूव होना चाहती है, और उसमें डिस्काउंट के लिए उसको 4.5 से ऊपर रेटिंग्स होना पड़ेगा। वो और ज़्यादा लोगों से इंगेज होती है, अच्छे से बात करती है, और जिसका रेटिंग्स लो है उन लोगों को इग्नोर करने लगती है। पर वो चाहे जो करे उसका रेटिंग में खास कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कंसल्टेंट से बात करती है रेटिंग बढ़ाने के लिए, और कंसल्टेंट सलाह देता है वो एकदम हाई रेटेड लोगों से हैंग आउट करे ताकि उसका रेटिंग तेजी से ग्रो हो सके। वो जस्ट दुनिया को दिखाने के लिए फूड आइटम्स बनाती है ताकि सोशल मीडिया में डाल सके और इमेज अच्छा कर सके, जो हम भी करते आ रहे हैं। वहाँ पे उसका भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करता है जो हमको भी खुद से पूछ लेना चाहिए, हु इवन आर यू। उसके पास एक डॉल होता है जिसको उसने और उसकी बचपन की फ्रेंड नेओमी ने मिलके बनाया था। नेओमी हाई रेटेड लोगों में से है और उसका रेटिंग्स अभी 4.8 है। लेसी मिस्टर रैक्स के फोटो डालने में इतना एक्साइटेड नहीं है जितना वो उसमें 5-स्टार रेटिंग आने के बाद होती है, और साफ दिखता है सब रेटिंग्स का खेल है। नेओमी लेसी को कॉल करती है और अभी वो इंगेज होने वाली है। हम लोगों को नेओमी को देखने के बाद और उसके बातें सुनने के बाद ये रियलाइज करने में देर नहीं लगता कि वो हर टाइम परफेक्ट बन के रहना चाहती है। नेओमी ने लेसी को अपना मेड ऑफ ऑनर बनाने का सोचा है, तो लेसी प्रैक्टिस कर रही होती है अपना स्पीच नेओमी के लिए, और वो जबरदस्ती खुश दिखना चाहती है। रैन उससे पूछता है, तुम लोगों का तो इतना अच्छा बनता भी नहीं था, फिर भी ये सब सिर्फ कुछ रेटिंग्स पाने के लिए हाई रेटेड पीपल से, और वो भी एक अपार्टमेंट के लिए जो एक फेक स्पाइल अपार्टमेंट है, यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए ये सब। लेसी ऐसे दुनिया में खो चुकी है जहां उसको खुद का और किसी और का वैल्यू सिर्फ पॉइंट और रेटिंग्स में दिखता है। भाई बहन में थोड़ा झगड़ा होता है तो रैन उसको डाउनवोट कर देता है। उसका कैब कैंसिल होता है तो उधर से भी उसको डाउनवोट मिलता है।
वो जैसे ही घर के बाहर निकलती है एक लड़की से टकराती है जिसका रेटिंग्स 4.8 है और वो भी गुस्से से उसको डाउनवोट कर देती है और इसका रेटिंग्स गिरना शुरू होता है। वो कैब में जब नेओमी से बात करती है एकदम आर्टिफिशियली खुश दिखती है जो शायद कैब ड्राइवर को पसंद नहीं आता और वो सिर्फ एक रेटिंग्स देता है लेसी को। लेसी पहले 4.2 में थी और इस सब के बाद घट के 4.1 समथिंग में गिर गई है। उसका प्लेन कैंसिल हुआ होता है और दूसरे प्लेन में सीट पाने के लिए उसको 4.2 और एबव होना पड़ेगा जो कि अब नहीं है। उसका थोड़ा डिस्प्यूट होता है एयरपोर्ट ऑफिसर से और बाकी पब्लिक लोग भी उसको डाउनलोड कर देते हैं सीन क्रिएट करने के लिए और तो और उसका डायरेक्टली 24 घंटे के लिए एक पॉइंट डाउन कर दिया जाता है और जितना भी डाउनवोट्स होंगे वो डबल काउंट हो जाएंगे। अब उसको हाई रेटिंग होने का जितना भी प्रिविलेज मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे और शायद नोज डाइव जिसका मतलब तेजी से गिरना होता है वो यही रेटिंग गिरने वाला रेफरेंस का बात कर रहा है। इसकी वजह से उसको नए मॉडल का कार भी नहीं मिलता, वो पुराना मॉडल चलाने में मजबूर हो जाती है और एक काफ़ी डरावनी सिचुएशन है। यहाँ पे मैं चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर भी बातें करना चाहूँगा जिसके साथ इस एपिसोड को वाइडली कंपेयर किया गया है। आपको उस क्रेडिट के हिसाब से सब कुछ करना होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है हर चीज़ में, जैसे कि आपको लोन मिलेगा या नहीं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे वगैरह वगैरह। और आप कुछ फ्रॉड करोगे या रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपका रेटिंग गिर जाएगा। अगर आपके पास हाई रेटिंग्स हो तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे लाइक बिना डिपॉजिट का कार रेंट, हॉस्पिटल चेकअप विदाउट क्यूइंग और बहुत कुछ। और आपका रेटिंग इसमें डिपेंड करता है कि आप किस किस के साथ हैंग आउट करते हो, सेम यही एपिसोड की तरह। सोचिए अगर ये सिस्टम हमारे यहाँ आए तो सिचुएशन कितना भयावह बन सकता है और आपको क्या लगता है वो भी जरूर कमेंट करना। वो जाते हुए स्पीच का ही प्रैक्टिस कर रही थी कैसे कैसे फेक स्माइल करना है और फेकली रोना है। उसके कार का चार्ज खत्म हो जाता है और ये पुराना मॉडल है तो चार्जर भी नहीं मिलता। उसका चार्ज स्टेशन के ओनर के साथ भी आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको वहाँ पे भी लो रेटिंग्स मिलते हैं। वो जब लिफ्ट मांगने के लिए रास्ते में खड़ी होती है उसका लो रेटिंग्स देख के कोई उसको भाव नहीं देता और तो और लोग उसको ऐसे ही लो रेटिंग्स दे देते हैं जबकि उसने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, जो कि थोड़ा अजीब है। और बहुत लोगों का फितरत यही होता है, जो आदमी नीचे है उसको नीचे ही दबाए रखना। उन लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा पर किसी का लाइफ फक्ड अप हो रहा है। लेसी को सुजैन लिफ्ट देती है पर पहले तो लेसी हिचकिचाती है क्योंकि उसका रेटिंग सिर्फ 1.423 है और फिर हमको पता लगता है वो भी पहले लेसी जैसे ही रेटिंग ऑब्सेस्ड थी पर जब उसका हस्बैंड वाइटल कैंसर से लड़ रहा था वो सिर्फ लो फॉर्म में होने की वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया बल्कि उसका ट्रीटमेंट किसी हाई फोर को दिया गया और उसके बाद सुजैन को ए रेटिंग से कुछ मतलब नहीं है और वो बिना चिंता के बिना डर लिए आराम से जी पा रही है। वो लेसी को भी ऐसे ही रेटिंग को इग्नोर करने के लिए बोलती है पर लेसी अभी अचानक से झटपट ये सब नहीं कर पाती। नेओमी लेसी को फोन करके रेटिंग कम होने की वजह से ना आने के लिए बोलती है क्योंकि इतना लो रेटिंग की वजह से नेओमी का इमेज भी खराब हो सकता है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये दोनों के लिए ये एक फ्रेंडशिप से बढ़कर बस नंबर का खेल था। यही है कि सब लोग में मार्कडाउन होने का भयंकर डर है क्योंकि उसका रिजल्ट खास कुछ अच्छा नहीं होता। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को लो रेटिंग होने का कॉन्सिक्वेंसेस, पर लेसी चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे जाके ही मानेगी और उसका रेटिंग हर तरफ से गिरता जा रहा है, बस में भी और रास्ते में भी जब वो सबको ओवरटेक करते हुए जा रही थी। पर अभी उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, वो सोच रही है कैसे भी पहुंच के अगर तगड़ा स्पीच दे पाई तो उसका रेटिंग्स बढ़ जाएगा हाई रेटेड पीपल के वजह से। वो छुप छुप के रिसेप्शन में पहुंच जाती है और बोलना शुरू करती है। हमको यहाँ पे लगता है शायद लेसी 15 मिलियन मेरिट्स में पिंक के जैसे ही सिस्टम के खिलाफ बहुत तगड़ा रैंड करेगी पर एंडिंग वैसा ना होके कुछ अलग हो जाता है जिसकी वजह से और ज़्यादा मज़ा आता है। लेसी पी हुई भी है और स्पीच अच्छे होने के जगह पे खराब होता जाता है। वो नेओमी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोने के लिए भली भांति सुनाती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अभी गेस्ट उसको नेगेटिव रेटिंग्स देने लग गए हैं
जिसकी वजह से उसका रेटिंग्स एक के नीचे आ चुका है। लेसी मिस्टर रैक्स को लेके उसको काटने का धमकी देती है, पर किसी को खास कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और उसका रेटिंग्स गिरता ही जा रहा है। वो चाहे जितना सिचुएशन को संभालने की कोशिश करे तो वो नहीं हो पा रहा था। सिक्योरिटी लेसी को पकड़ लेते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके आंख से ये रेटिंग वाला सिस्टम भी हटा दिया जाता है। एक्चुअली आप लोग एनालिसिस कर पाए या नहीं, पर इस एपिसोड का एंडिंग बहुत ही हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि जब वो जेल में पहुंची, वो जिंदगी में पहली बार अपने इनर लेबल से फ्री हुई है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। वो वहाँ पे बिना डरे, बिना रेटिंग्स के परवाह किए कुछ भी बोल पा रही थी। वो अपने सेलमेट्स को भी मन में जो आए वही बोल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि पहली बार वो अपने लिए जी रही है और फ्री सोल है। उसके लिए प्रिजन फ्रॉम दैट सोसाइटी वॉज फ्रीडम। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे और चाइनीज रेटिंग सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, तो अगर यहाँ तक देख ही चुके हो तो एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर किसी को 24 घंटा फोटो पोस्ट करने का मन नहीं है और 2400 घंटा हैप्पी नहीं दिख पा रहा है तो वो ऐसे सोसाइटी में सक्सीड नहीं कर पाएगा। ये देखने के बाद हमको लगता है कि हम लोग भी सोशल मीडिया को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। हमारे पास ऐसा बहुत एग्जाम्पल मौजूद है जो ये पोस्ट डालने का ओवर बियरिंग प्रेशर की वजह से या तो सोशल मीडिया ज्वाइन किए ही नहीं और या तो सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। क्योंकि अगर पोस्ट फोटो में 2400 घंटा फिट और बंडन के दिखना पड़े नियोमी के तरह, तो वो उन लोगों के रियल लाइफ में दखल दे रहा था। इसका मतलब ये भी निकलता है जो सोशल मीडिया में अपना फेस पोर्ट्रेट कर रहे हैं वो रियल नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया गया सोसाइटी और अभी के सोशल मीडिया में ये डिफरेंस है कि हम लोग अभी सोशल मीडिया में अपना डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हैं, पर अगर वो एक सोसाइटी में चेंज हो जाए और रेटिंग से फर्क पड़ने लगे तो ये सब भी चेंज हो जाएगा और सब लोग सिर्फ फेकनेस ही प्रोमोट करते रहेंगे। अब बात करते हैं रेटिंग सिस्टम की। लेसी जो हाई रेटिंग लाके डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रही थी, वो उसी से सिमिलर है जैसे हाई रेटेड लोग बिना डिपॉजिट के थिंग्स रेंट कर सकते हैं और क्रेडिट का भी कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता उन लोगों में। जब लेसी को एयरपोर्ट से बाहर कर दिया गया था, वो किसी भी सिस्टम का कंट्रोल है जो चाहे वो करने का कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने देना है। ऐसा जो सिस्टम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने डेवलप किया है वो सोचने में भी भयंकर लगता है। सो क्रिएटर चार्ली ब्रूकर ने एक इंटरव्यू में जोक करते हुए कहा था, मैंने चाइनीज गवर्नमेंट को ये आइडिया दिया नहीं है। और इस एपिसोड का कंसेप्ट रियल लाइफ में आने वाला बात बहुत ही ज्यादा ट्रिपी है। वो कहते हैं चाइनीज रेटिंग सिस्टम और नोज डाइव में एक डिफरेंस है, वो ये है कि चाइनीज रेटिंग सिस्टम को एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और भी डरावनी चीजें, क्योंकि वो लोग जैसे चाहे वैसे आपसे बर्ताव करवा सकते हैं और आपको हमेशा डर डर के जीना पड़ेगा। तो ये एपिसोड और इसका एनालिसिस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट जो कि 470 है वो भी ज़रूर पूरा कर देना। आगे भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।